राजस्थान के बाड़मेर में अफीम और डोडा की तस्करी के मामले में बायतू पुलिस डीएसपी और कांस्टेबल की मिलीभगत सामने आने के बाद दोनों को सस्पेंड कर दिया। दरअसल बता दें कि तस्करों और प्रतापगढ़ की छोटी सादरी पुलिस में 3 दिन पहले मुठभेड़ हुई थी और पुलिस के जवाबी कार्रवाई में 2 तस्करों के पैर पर गोली लगी और 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इन्हें कब्जे से बड़ी मात्रा में ड्रग्स और अवैध हथियार बरामद किए थे। आरोपियों गिरफ्तारी व जांच के बाद बायदू डीएसपी जग्गूराम कांस्टेबल नैनूराम का तस्करों से कनेक्शन सामने आया। आरोपों के बाद एडीजी विजिलेंस ने दोनों को सोमवार शाम को सस्पेंड कर दिया। दरअसल बता दें कि 25 मार्च को छोटी सादड़ी पुलिस को बड़ी मात्रा में अफीम और डोडा चूरा की तस्करी की सूचना मिली थी और इसके बाद पुलिस टीम ने निम्बेड़ा प्रतापगढ़ रोड पर नाकाबंदी शुरू की। इस दौरान 3 स्कॉर्पियो आई और पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो कार में बैठे तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी और इसके बाद भागने लगे थे और पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया था। तब तस्करों ने डीएसपी जग्गूराम से बात करवाने का प्रयास किया और इसको लेकर विजिलेंस एडीजी बीजू जॉर्ज की ओर से बायतू डीएसपी जग्गूराम की तस्करों से मिले बात को लेकर जांच करवाई गई और इसमें तस्करों और डीएसपी के बीच बातचीत के मोबाइल में व्हाट्सएप चैट मिले थे और इसके बाद विजिलेंस एडीजी ने डीएसपी और कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया। बता दें कि बायतू डीएसपी पद पर आरोपी ऑफिसर जून 2020 से पोस्टेड है और अब उसका पूरा रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है।